हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विशाल वर्मन एंड यू आर वाचिंग वीआरवी ब्लॉग। सो आज हम लोग आए हैं नौका विहार करने एंड अभी शाम का हो रहा है 4:30 या 4 बजे, तो 4:09 हो रहा है एंड अभी हम लोग नौका विहार के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे बोट है देखो, एंड यहाँ पे हम लोग का लग रहा है 2 आदमी है, तो हम लोग का लगेगा 100 करके लगेगा, 2 आदमी का 200 लगेगा, 40 घाट तक घुमाएगा। तो यहाँ से मणिकर्णिका कौन सा घाट घुमाएंगे भैया? हरिचंद से मणिका 40 घाट घुमाएगा काशी यात्रा में। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ पे, तो चलते हैं अभी। बनारस तो वह जगह है जहाँ देवी गंगा सदियों से बही जा रही है। यहाँ के हर एक लहर में तो इतिहास छुपा है और यहाँ के हवा में तो शिव भक्ति मिला हुआ है। यहाँ पे कहीं दिल खो सा गया था इतने इतिहास से भरा हुआ घाट को देख। यहीं पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। और फिर हम चलते चलते हम पहुंच जाते हैं हरिश्चंद्र घाट। यहाँ का भी इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ कितनी ही चिता दिन रात जल रही है, यहाँ हमारे जीवन का असलियत पता चलता है। अब जहाँ भी जाओ, जीवन के अंत में हमें यहीं आना है। नौका विहार करते हुए हम पहुंच जाते हैं दशाश्वमेध घाट, जहां की आरती देखने सुबह शाम हजारों भक्त बार बार आते हैं। दिल कहीं भी रहे, खींचा तो यहीं आता है आरती देखने के लिए। शेष में हम पहुंचते हैं मणिकर्णिका घाट, जहां की आग आज तक नहीं बुझी। ये आग सदियों से जल रही है और हमारा जीवन का सत्य हमें दिखलाती रही है। इसी तरह ख़त्म होता है हमारा नौका विहार। हम पहुंच जाते हैं फिर से दशाश्वमेध घाट। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का करवट मंदिर, जो महादेव का मंदिर है। सो गाइस, अभी हम लोग नौका विहार करके उतरे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रत्नेश्वर महादेव, जो कि है जिस मंदिर में हम दिखाएंगे। वो मंदिर इतना टिल्ट है ना, वो मंदिर का नाम है क्या, करवट मंदिर ना। हाँ। करवट। तो चलो अभी वहाँ जा रहे हैं, मतलब वो भूल ही गए थे, हम देख के आए थे यूट्यूब में, बट जब अभी हम भूल भी गए थे, लेकिन अभी नाव से जैसे नौका विहार कर रहे थे तो उसी में हमको दिखा मणिकर्णिका घाट के बगल में ही है। तो अभी चलो वहाँ जा रहे हैं और ये रास्ता सीधे जा रहा है मणिकर्णिका घाट, जहाँ से दिन रात कितने ही चीते को लिए जा रहा है उसके मोक्ष के लिए। अभी हम
लोग पहुंच गए हैं करवट मंदिर के सामने, और अब नीचे कैसे जाएंगे, उधर से जाना पड़ेगा नीचे, इधर से जगह नहीं है। तो चलो नीचे चलते हैं एंड दिखाते हैं ये मंदिर। यहाँ पे बहुत कोई आता है, लेकिन ये मंदिर है 6 मंथ तक आई थिंक पानी के अंदर रहता है एंड 6 मंथ बाहर रहता है। तो चलो अभी इस टाइम पे पानी नहीं है तो हम लोग अंदर जा सकेंगे एंड देख सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे, तो चलते हैं अंदर। नहीं अभी भी पानी है, देखो इसी तरह पानी से ही सब जाता है दर्शन करने के लिए, तो कोशिश करते हैं दर्शन पाने का। तो चलो अगर हो पाए दर्शन मिल जाएगा हमें भी। सो गाइस यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा पाएंगे, देखो पानी है पूरा यहाँ तक, इसलिए अंदर नहीं जा पाएंगे। तो क्या करें, वरना अभी अंदर जा पाते, देखो पूरा कीचड़ है अंदर, चांस ही नहीं है जाने का, वरना अंदर जाकर दिखाते कैसा है। तो और क्या करेंगे, बस यहीं से आप मंदिर देखो, एंड आप कभी आओ तो अगर हो पाए आप लोग आना यहाँ पे, एंड मुझे भी बताना कमेंट में कैसा है अंदर से। तो यही था वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर से प्रेस कर देना।